नमस्कार, मेरा नाम गायत्री शर्मा है और मैं ज्योतिष आचार्य और वास्तुशास्त्री हूँ। सबसे पहले मैं सभी को नववर्ष की बधाइयाँ देना चाहती हूँ। ये 2022 सबके लिए बहुत अच्छा है, बहुत खुशियाँ लेकर आए। पर इसके साथ ही मैं 2022 के बारे में आपको राशिफल बताना चाहती हूँ कि सभी राशियों के लिए ये 2022 कैसा रहेगा। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि 2022 में एक खासियत है, इस वर्ष एक खासियत क्या है कि चार ऐसे प्लैनेट्स होते हैं, शनि, गुरु, राहु और केतु। इनका जो पीरियड होता है गोचर चेंज करने का वो बहुत ज्यादा होता है, पर लकीली इस वर्ष ये अपना गोचर परिवर्तन कर रहे हैं, राशि परिवर्तन कर रहे हैं। ये ग्रह अपनी अगली राशि के साथ जुड़ने जा रहे हैं, जिसका थोड़ा सा मिश्रित असर सभी राशियों पर पड़ने वाला है, क्योंकि राशि परिवर्तन के साथ साथ जब राशियों पे इनका प्रभाव बढ़ता है तो राशियों पे इनका असर भी पड़ता चला जाता है। पर एक चीज मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, मैंने गुरु का नाम लिया तो ऐसा ग्रह है ये जो प्राकृतिक रूप से बहुत अच्छा होता है, तो सबको लगेगा कि बहुत अच्छी बात है। पर जैसे ही मैंने शनि, राहु, केतु का नाम लिया तो सब लोग डर गए होंगे कि कहीं ये मेरी राशि में ना आ जाए। पर ऐसा नहीं होता है, कोई भी ग्रह किसी पर्टिकुलर के लिए अच्छा और पर्टिकुलर के लिए खराब होता है, तो इससे बिल्कुल मत घबराइएगा। हो सकता है अगर आपका राहु अच्छा हो जाए तो आपको विदेश यात्रा करा दे इस वर्ष। मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये 12 राशियों पे अलग अलग ग्रहों का क्या असर रहेगा। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी मेष राशि वालों की। मेष राशि वाले जो जातक होते हैं उनकी सबसे ज्यादा खासियत होती है कि उनकी लीडरशिप क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। लीडरशिप क्वालिटी अच्छी होने के कारण आप कुछ भी शब्द बोल सकते हैं, उनके लिए दबंग बोल सकते हैं, नेतृत्व बोल सकते हैं। उनकी क्वालिटीज होती हैं ये कि उनकी पहचान अलग से मिलती है। अगर वो कहीं ऑफिस में वर्क कर रहे होंगे तो उनके फॉलोअर्स वहां पर भी मिलेंगे आपको, स्कूल में पढ़ रहे होंगे तो वहां पर भी मिलेंगे। इसीलिए इसके साथ एक जो चीज जोड़ के बताना चाहूंगी कि मांगलिक दोष खराब नहीं होता, क्योंकि जिनका मंगल स्ट्रांग होता है या मेष राशि के जातक होते हैं उनकी क्वालिटीज होती हैं कि वो पहचाने जाते हैं अलग से, भीड़ से अलग होते हैं वो लोग। पर मेष राशि वाले जातकों के लिए इस वर्ष थोड़ा सा स्टार्टिंग में अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि मेष राशि के ग्रह स्थिति कुछ इस प्रकार है कि स्टार्टिंग के 4 मंथ्स इनके लिए थोड़े से संघर्ष में रहेंगे। 29 अप्रैल के बाद में शनि जो कि राशि परिवर्तन कर रहा है उसके बाद में सबसे ज्यादा सुखद अनुभव मेष राशि वालों को ही मिलने वाला है। उसका मुख्य कारण बताती हूँ, जिस संघर्ष में आप घूम रहे हैं भूमि और वाहन के, सबसे पहले आपको वही मिलेगा। अप्रैल महीने के बाद में शनि की राशि परिवर्तन आपके लिए थोड़ा सुखमय होने वाला है। मतलब अप्रैल तक तो मैंने कहा प्रॉब्लम है, पर अप्रैल के बाद के जितने महीने हैं, 8 महीने और बचेंगे इस साल के, वो आपके लिए अच्छे जाने वाले हैं। पर एक चीज मैं बताना चाहूंगी, रिश्तेदारों से वाद विवाद से बचिएगा। खर्चों में इस साल वृद्धि होगी, इसको आप इस तरह से भी जोड़ के देख सकते हैं, भूमि और वाहन जब आप ले रहे हैं तो खर्चे तो बढ़ ही जाएंगे, उसको नेगेटिव मत लीजिएगा। दूसरी चीज, आप वाद विवाद में फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो वाद विवाद में फंसने के लिए सबसे पहले आप दूर रहिएगा इस तरह की चीजों से। प्रतिद्वंदी रहेंगे आपके, कॉम्पिटिटर्स रहेंगे, वो सबके रहते हैं, पर कॉम्पिटिटर होने के बाद भी एट द फाइनल लेवल अंत में आप ही की जीत होगी और ये वर्ष आपके लिए अच्छा रहेगा। खरीदने से चीजों से आपको लाभ होगा, हुनर के कारण आपको इस वर्ष अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। मेष राशि वालों के लिए सबसे शुभ रंग जो माना जाता है वो लाल माना जाता है, शुभ अंक 9 माना जाता है, शुभ रत्न मेष राशि के लिए मूंगा माना जाता है और शुभ दिशा मानी जाती है दक्षिण। हर खबर आप तक आज ही के लिए टाइम्स को सब्सक्राइब करें।